हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैप्पी टू हेल्प यू। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो लेके आया गया हूँ, जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने जाला है ब्लू स्किन एरर के लिए। जो ब्लू स्किन एरर हम लोगों का सिस्टम में डेली आ जाता है, कभी आ जाता है, तो फिर इसको सॉल्व किया जाता है कैसे, तो चिंता मत करिए, मैं इसको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। जो ब्लू स्किन एरर कैसे आपको सिस्टम में क्या होता है, क्या इफेक्ट करता है, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए, इस ब्लू स्किन एरर के लिए मैं थोड़ा डिटेल्स में जाता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, जो ब्लू स्किन एरर ठीक इस तरह से होता है, इस तरह से आता है ब्लू स्किन एरर। तो इस ब्लू स्किन एरर का मेन मोटिव क्या है? जब भी आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तभी ब्लू स्किन एरर आता है। तो फिर आपको भी पता है आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ब्लू स्किन आ रहा है। ओके, तो क्यों आता है ब्लू स्किन एरर? कभी कभी नया सिस्टम में भी आ जाता है, कभी कभी पुराने सिस्टम में भी आ जाता है। क्योंकि मेरा हाल ही में मेरा एक दोस्त नया सिस्टम लिया था, उसका भी ब्लू स्किन एरर आ गया था। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मेन मोटिव है, जब भी आपका विंडोज़ ठीक से काम करना बंद कर देता है, मेरा मतलब है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ओएस चल रहा है, ऐसा कोई डिटेक्ट किया, वायरस हो, कोई और प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम वो खुद से ठीक नहीं कर पा रहे, इसके हिसाब से वो ब्लू स्किन एरर दे देता है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो उसका जो प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो ब्लू स्किन एरर आपको दिखा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है ब्लू स्किन कर आने के लिए? बहुत सारा कारण हो सकता है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड। पहले आपको चेक करना पड़ेगा आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं है, उसके बाद आपके जाना पड़ेगा हार्डवेयर रिलेटेड, ठीक है। मेन जो प्रॉब्लम होता है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही वो आपका प्रॉब्लम होता है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्लू स्किन एरर का हजारों प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ब्लू स्किन एरर क्यों आ रहा है वो पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो सकता है, हार्डवेयर रिलेटेड हो सकता है, कोई ड्राइवर रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था ना, तब अब जब उसमें ठीक नहीं हो रहा है, वो अपने आप से ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में एक ब्लू स्किन एरर दे देता है। उसमें क्या होता है, आपको बता रहे हैं आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्लीज़ इसमें अटेंशन दीजिए। आपका अटेंशन पाने के लिए ब्लू स्किन एरर देता है, इसके इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 90% केसेस जो ब्लू स्किन एरर आता है ना, वो ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देता है, सिर्फ आपको रिस्टार्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद ब्लू स्किन चला जा रहा है, 90% केसेस में होता है। मगर जब भी ब्लू स्किन एरर आता है, तब विदाउट रिस्टार्ट आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा और फोर स्टॉप करना ही पड़ेगा। आपका सिस्टम में ब्लू स्किन एरर क्यों आया है वो आप पता कर सकते हैं। जब भी देखिए इस तरह के एक ब्लू स्किन एरर आता है, तो फिर उसमें क्या, आपका मोबाइल में एक स्नैपशॉट लेना होगा, उसके बाद आप उस इमेज को जो आपके पास आ गया, इमेज में जो कोड लिखा है वो कोड उसको गूगल में जाके सर्च करिएगा, उसका अगेंस्ट में जो प्रॉब्लम है वो गूगल आपको बता देगा। काफ़ी लोग पूछा करता है, जो फिर जो ब्लू स्किन एरर आने के लिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल कर दूँ, हो जाएगा? नहीं, रीइंस्टॉल और फॉर्मेट करना हर चीज़ के लिए सोल्यूशन नहीं है। सिस्टम रिस्टोर का भी एक ऑप्शन होता है। जब भी आप ब्लू स्किन एरर बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहा है, जब भी सिस्टम ऑन कर रहे हैं 5 मिनट बाद ब्लू स्किन एरर आ जा रहा है, तो फिर आप सिस्टम को डायरेक्ट फॉर्मेट मत कर दीजिए। बार बार फॉर्मेट करना भी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम रिस्टोर करना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है सिस्टम रिस्टोर में। क्या होता है, जब आपको सिस्टम रिस्टोर किए, जब आप नया लैपटॉप खरीदते हैं, कोई भी सिस्टम ऑटोमेटिकली एक रिस्टोर क्रिएट करता है, उसमें सिस्टम रिस्टोर क्या होता है, ब्लू स्किन आगे का आपको फेज को लेके चला जाएगा जिसमें ब्लू स्क्रीन नहीं था, ठीक है। ये टाइम मशीन की तरह काम करता है, वो प्रीवियस में स्टेज में लेके आगे आ जाएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। और एक सोल्यूशन है वो एंटीवायरस। आप
अच्छा से अच्छा एंटीवायरस लगाइए, वायरस के कारण से भी वो ब्लू स्किन एरर आ सकता है। ओके, उसके बाद जो प्रॉब्लम है, जो मेन इशू है, जो ड्राइवर रिलेटेड, अगर आपका विंडोज़ में कोई भी ड्राइवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर ब्लू स्क्रीन एरर आता है, ज़रूर से ज़रूर आता है। मैंने इसे खुद से ट्राई किया है, मेरा एक ड्राइवर में मिसिंग था, उसमें बार बार ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा था। उसको बाद मैंने पिक्चर शॉट लिया, उसके बाद मैंने गूगल में जाकर सर्च किया क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे दिखा दिया था जो ग्राफिक्स ग्राफिक्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपका ग्राफिक्स का ड्राइवर फिर से रीइंस्टॉल करिए, उसके बाद हो जाएगा। मैंने ग्राफिक्स का कार्ड का रीइंस्टॉल किया, उसके बाद सही से स्टार्ट हो गया। अभी तक मुझे और भी ब्लू स्क्रीन एरर का प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया दोस्तों। उसके बाद भी अगर आपका ब्लू स्क्रीन एरर का प्रॉब्लम जो है वो सही से ठीक नहीं होता है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका ओरिजिनल डिवाइस है तो डायरेक्ट में फॉर्मेट करिए, वो ऑटोमेटिकली आपको रिफॉर्मेट स्टेज में चला जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट करना नहीं आता तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मगर रीइंस्टॉल हर तरह का सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्डवेयर रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आपका हार्डवेयर में कोई हार्ड डिस्क में आप कुछ परेशानी हो गया, हार्ड डिस्क थोड़ा लूज हो गया, उस कारण से भी ब्लू स्क्रीन एरर आ सकता है। रैम थोड़ा डस्ट हो गया, उस कारण से भी ब्लू स्क्रीन एरर आ सकता है। इसीलिए आप सही से अपने अंदर से पूरा लैपटॉप और डेस्कटॉप हो एक बार ठीक से चेक करिए, उसके बाद ही जाके ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। और ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम जो है वो आपको ऐसा नहीं है, ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम आ गया तो फिर आपका कंप्यूटर गया मर गया, ऐसा बात कोई नहीं है। ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम का जो होता है वो मैंने फर्स्ट पॉइंट में जो बोला, विंडोज़ अपने अपने से वो रिकवरी नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको अटेंशन दे रहा है, प्लीज़ भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप खुद से कुछ कर लो, इसीलिए ब्लू स्क्रीन एरर आता है। ओके, होप यू गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इतना तक देखने के लिए, धन्यवाद।